बड़े भाई एक रिक्वेस्ट है ना कि अगर कभी भी यार कोई भी राइड बुक करा करो तो थोड़ा सा आ जाया करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ आपका। भाई 2 मिनट से ज़्यादा हो चुका, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी इसी चीज़ की, ठीक है। हाँ ये थोड़ा ही नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से आदमी काम करेगा भाई, सही करा गलत करा भाई ये बताओ। तो ये 204 रुपए का पोर्टर आ गया, बट इसमें दिक्कत क्या होगा, ये पीछे से बच गया, मैं आ रहा था ना इटौंजा से। अबे भाई 11,000 सब्सक्राइबर हो, कुछ तो पार्टी तो ले लो यार। अरे नहीं भाई, दिक्कत नहीं, क्या है बहुत ना। भाई ऐसे इंसान मिलते हैं समझ लो, ऐसे भाई लोग मिले तो क्या है, पार्टी देने के लिए बोलो भाई बना कर दे, कितना मजा आए भाई समझ रहे हो। हाँ तो मेरे भाई लोग कैसे हो, उम्मीद करते सब एक नंबर, दो कौड़ी के हो गए। और आज अभी टाइम दिखा दे रहा, आज दिन है संडे का, आई थिंक सो 11 फरवरी है, तो 11 फरवरी दिखा दे रहा हूँ, टाइम 2:15 हो रहा है। मैं अभी जस्ट लॉगिन हुआ था तो मैंने एक पोर्टर पकड़ लिया, मैंने पोर्टर और ओला को लॉगिन करा था। तो ये 204 रुपए का पोर्टर आ गया, बट इसमें दिक्कत क्या होगा, ये पीछे से बच गया, मैं आ रहा था ना इटौंजा से, तो यहाँ से किलोमीटर देख लो, 3 किलोमीटर पिकअप करने जाना है और देन पता नहीं कितने किलोमीटर जाना है, ये जाना है राजाजीपुरम मीना बेकरी लेकर के। देखते सबसे पहले कि आइटम ले जाने लायक है कि नहीं ले जाने लायक, क्योंकि भाई पोर्टर में जानते ही हो हम लोग बोझा लदवा देते हैं, एकदम कोलू का बैल बना देते हैं। तो अपन चलते हैं फटाफट से अभी। तो यहाँ पे AKTU पे CDRI के पास है, ये AKTU कैंपस है, वो सामने दिख रहा होगा अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी करके, ये देखिए बड़ा बड़ा लिखा होगा उधर अब्दुल कलाम, ठीक है, जहाँ पे मोटरसाइकिल जा रही है। तो चलते फटाफट से ऑर्डर पिकअप करने, वीडियो बने रहना, आज मजा आने वाला, देखते कितने रुपए की अर्निंग होने वाली। आज संडे का दिन है, ओला बहुत तगड़ा पैसा देता है, बस ओला की राइडें देखनी, कैप्चर करनी है और चलते हैं, ठीक है, पिकअप करने के लिए। हाँ तो कहें यार लोकेशन कहाँ की डाल दी भैया ने, समझ में नहीं आ रहा भैया, ये लोकेशन आ गए हैं कौन सा है? सिद्धि विनायक जनरल स्टोर है, उसके बराबर से गली जाती है वो, आप ऊपर खड़े हो, आप ही हो, ठीक है मैं ही हूँ, आ जाओ भैया आ जाओ, चलो पहुँच तो गए भैया यहाँ तक, हैं देखते हैं मसला क्या है, क्या लेकर जाना है, ये आ गए, चलो ठीक है, छोटा ही आइटम है, ले जाएगा भैया पैक्ड है पूरा, देख लो भैया ये कुछ, अरे ठीक है हम टांग लेंगे आगे, टूटने वाला तो है नहीं, मजबूत है ये कुछ है, भैया का सामान वन, पैसे कौन देगा भैया, पैसे मैं ही दे देता हूं, तो आप ही कर दो भैया मेरे को, ये गूगल पे मैं भी आ जाना चाहिए इधर भी, हाँ आ गया, ठीक है धन्यवाद, मयंक सिंह ना भैया, ओके चलो ठीक है, ये लोकेशन सही पड़ी है ना, मीना बेकरी चौराहे तक जाना है राजाजीपुरम यहाँ से, तो ठीक है इतना पैकेट है कोई दिक्कत नहीं। और ये 17 किलोमीटर की यहाँ से विजिबल हो रही है, जो कि छठे मील होकर के बिठौली होकर के, तो भैया जी फाइनली पहुँच गए हैं और ये कस्टमर जी हमारे तैनात हैं, आप ही हैं भैया, ओके पोर्टर से, ये लीजिएगा भैया, पैसा तो उन्होंने दे दिया, एक बार देख ले उतना ही बिल बना है कि कुछ कम ज़्यादा बिल बना है, देखे भैया चलो इनको ऑर्डर तो दे दिया, और एंड ट्रिप दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है, आर यू श्योर, और हम वहाँ श्योर हैं, और जनरेट हो जा भाई बिल विल, 204 रुपए ही बना तो कैश ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको 5 स्टार रेटिंग देते हैं, ये कोई गोदाम है, गोदाम तो नहीं, इनका घर ही है भैया का, 173 रुपीस मिला, यानी कि काटने लगी है कंपनी ऑलमोस्ट 15%, तो 1 घंटा 26 मिनट लगा, चलो कोई नहीं ठीक है, गाय माता मारना नहीं, हम बहुत देखो भक्त हैं आपके, एकदम भक्त। तो अभी यहीं पर हैं राजाजीपुरम में मीना बेकरी वाले चौराहे पे, देखते हैं नेक्स्ट राइड कब आती है, ओके 2000 years later। तो भैया ये एक राइड आई है रैपिडो पे, और ये 1.5 किलोमीटर के यहीं चिली पिस्टल्स बोला था, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहीं पर खड़े रहो, बोल रहे 2 मिनट को आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बड़ी देर बाद यार राइड है, यार संडे दिन राइड वूड नहीं है, आज बयाना भारी था पड़ जाए। 2000 years later ये राइड आई है भैया अलीगंज सेक्टर की, उसको उठा रहे हैं, और ये भाई साहब को पता है, ये हम इनको टाइम भी हो गया है, इनको टाइम हो गया है इनका काम लगाने का, क्योंकि मसला बना रहे हैं, ये निकल नहीं रहे हैं, तो अब इनसे कहो आराम से, हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि मेरी कोई दूसरी राइड आ जाए तो इनको गांव भेजें हम, अब आ गए, रुक जाओ जरा सा है, अभी दिखा रहे कैसे इनको गांव भेजते, कस्टमर नॉट रीचेबल डालो, कॉल उठाओ और एक रिंग जाए काट दो कॉल, ठीक है, कॉल काटने के बाद अब ये यहाँ पर लिख के आ जाएगा, अभी एक मिनट में कैंसिल ऑर्डर, अब ये फ़ोन भी करेंगे तो इनसे बोल देंगे भैया
वो आपकी राइड का काम लग चुका है। अरे यार हुआ नहीं, एक मिनट जरा इसको कैंसिल करके ही निकलेंगे यहाँ से, कर ही देंगे कहीं। अबे भाई जब राइड करते हो है ना, तो उसके बाद कम से कम ये तो देखा करो कि आदमी कि ओला रैपिडो वाले जो वो राइडर उडर है सब फर्जी खड़े रहते हैं। हम आके 5 मिनट हो गया बड़े भाई, राइड कैंसिल कर दी क्या? हाँ भाई। तो अगर ऐसे चलना है नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं जा सकते ना। चलिए आपने बोला भाई 1 मिनट 2 मिनट, भाई भाई ये तो अराइव्ड है, अराइव्ड है, कैंसिल करिए, रिक्वेस्ट मैंने डाल रखी है, एक सेकंड हो गई है, अभी आएगा यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर, प्लीज डू नॉट क्लोज द, एक सेकंड रुक जाओ। रैपिडो यही है ना, कैंसिल ऑर्डर कहाँ गया? ठीक है अब देखो कैंसिल हुई आपके में, ठीक है अब इसको बंद कर लें। बड़े भाई एक रिक्वेस्ट है ना कि अगर कभी भी यार कोई भी राइड बुक करा करो तो थोड़ा सा आ जाया करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ आपका। भाई 2 मिनट से ज़्यादा हो चुका, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी इसी चीज़ की, ठीक है। हाँ ये थोड़ी नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से आदमी काम करेगा, भाई सही करा गलत करा भाई ये बताओ, हमने सही करा गलत करा? अब कह दो ये राइड आ गई भाई, राइड आए चाहे ना आए, हम इससे पहले भी कर चुके हैं, मेरे पास एक वीडियो वो भी पड़ा, वो भी डाल दूंगा कि एक मैडम आई थी जो कि इतना लगेज लिए हुए थी, उनके पास इतना लगेज था कि वो राइड 4-व्हीलर से जाने वाली है, वो मैम बाइक से जाने की सोच रही थी, तो मैंने उनको भी मना कर दिया, मैंने कहा नहीं ले जा नहीं पाऊँगा, मैंने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि बैठ जाओ आप देख लेता हूँ मैं चला पाता हूँ कि नहीं, मेरे को चलाने में आ ही नहीं रहा, हैंडल वैंडल एकदम मुड़ ही नहीं रहा, तो कहाँ गए खोज देंगे ले जाके क्या। चलो ये राइड आई है अपने जोन की, फट से इनको किडनैप करते चल के, ठीक है इनको फ़ोन करते कि हम आ रहे, कैंसिल वैंसिल मत करना। ब्लू बैग पहने हैं आप, पीछे देखिए पीछे पीछे आप ही हैं। अरे हम उलझा रहे थे भाई बातों में, थोड़ा सा बुरा मत मानना, क्योंकि पता कैंसिल कर देते आप, क्योंकि इधर ट्रैफिक लगा है इसलिए। कैंसिल करना होता तो पहले ही कर देते हैं। वो ठीक बता दीजिएगा, चौबीस पचासी बैठ जाइए भैया, चले फिर चलो भाई करना होता तो पहले ही। अरे नहीं भाई कैंसिल हो जाती है क्योंकि कस्टमर एकदम तैनात रहता है, इसको तुरंत ही गाड़ी मिल जाए बुक करते ही। अच्छा ये लोकेशन जाना है, हम समझ गए जाना आपको मामा चौराहे, नहीं डंडैया वाली मोड़ पे, यहाँ पे वो एक मजा आ रहे हैं। चलो भैया चलते हैं फटाफट से, यहाँ से 12 किलोमीटर की राइड है, और कोई जल्दी तो नहीं है भैया? चलो ठीक है फिर आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। भैया लखनऊ में हमें लग रहा चारों तरफ नरक है, वही ओला की जो राइड लगी थी भैया को बैठाया के हमने उनसे पूछा क्या था कि आपको लेट तो नहीं हो रहा है, तो ये तो पता ही नहीं था कि लेट होएगा तो इस कदर का लेट होएगा भाई, चारों तरफ खचाखच जाम है, इधर पीछे गए थे घंटा करके बगल से रास्ता जो जाता है बंदे पे चढ़ के, वो वाला भी वो तो रास्ता ही पूरा बंद है, अब यही एकमात्र रास्ता बचा है यहाँ पर जो जाम को झेलते झालते पहुँचना है। वो देखो लोग ऊपर डिवाइडर से गाड़ी लेकर के आ गए हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। चैनल मेरा बड़का चेतन के नाम से है, एक सेकंड यहीं पे सर्च कर दे रहा हूँ, बड़का चेतन ये भैया है, ठीक है ओके ओके। देखिए ये वाला ब्लॉग आपका कल सुबह आएगा 11 बजे, ओके ओके शुक्रिया भैया। चलो भाई यहाँ पर राइड वेट कंप्लीट हो गई है, अब पसीना छोड़ दिया कसम से बता रहा हूँ बैठे बैठे और लखनऊ का ट्रैफिक देख देख के एकदम भंड हो चुका हूँ मैं, मेरे से नहीं झेला जा रहा भाई अलग लेवल पे, हद है यार इतना गंदा सीन लखनऊ का, बाप रे बाप। Meanwhile, भैया जी हम तो यहाँ केंद्र विद्यालय पे आ गए थे राजद भैया की बिरयानी खाने, वो राजद भैया की दुकान है तो कोई दिख रही है कि नहीं, तो वहाँ पे खा चुके हैं बिरयानी। राइड वुड का कुछ प्लान हो नहीं रहा है, मतलब राइड वाइड आ नहीं रही है, अब हम क्या करें, ना इस पे आ रही है ना हैरी पॉटर पे आ रहा है, हैरी पॉटर मैंने एक बार ऑफलाइन करके ऑनलाइन भी कर लिया,
ये कस्टमर एक मतलब अपना सब्सक्राइबर भाई है, ये यहीं कह रहे मिलने के लिए, तो हमने काम यहीं खड़े अलीगंज में, तो इनका जो न यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हैं, ये यहीं बगल में ही है, ये चलते हैं इनसे मिलने, अब इनसे मिल कर देखते हैं क्या होता सिस्टम, इनसे कहते वहीं रुको आ रहा हूँ, रुको आ रहा हूँ, चलते इनसे मिलते हैं, सब्सक्राइबर भाई से भी मिल ले, बड़े दिन से कह रहे थे मिलने के लिए, तो हमने कहा आज मौके पे मिल भी ले, ठीक है। देखे क्या बोलते हैं भाई हमारे, कितना मज़ा आ जाता है ना जब कोई कह दे आओ भाई मिल लो आगे, तुरंत हम तैनात हो जाएं, और हमको भी उससे ज़्यादा मज़ा हमको आता अपने भाई लोगों से मिलने के लिए, मतलब जीता जागता उदाहरण, समझ रहे भाई, ये देखो भाई मिल गए। हाँ भाई क्या हाल, अरे यार खुद रहो मेरे भाई, हाथ मिला यार, तुम पिकअप कर लिए ऑर्डर? हाँ पिकअप कर लिए, बहुत दिन से वेट कर रहे थे, आपको मैसेज भी किया थे। अरे अरे हाँ फिर क्या आपको टाइम ही नहीं है? मैं नहीं यार, हमने कहा टाइम अभी मिला, इत्तेफाकन तुमने करा, हम बिरयानी खा रहे थे। क्या हुआ? बिरयानी खा रहे थे राजेश की हम। अच्छा कल वाला वीडियो देखे थे, कैसा था? बढ़िया था, मज़ा आया। और कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस। तो ये ऑर्डर कहाँ आई एम जा रहे हो ना देने? अरे वहाँ तो वापसी ऑर्डर नहीं लगता कभी, ये तो दिक्कत है वहाँ पे वापसी, वहाँ रेस्टोरेंट ही नहीं, क्या करोगे? और बताओ कैमरा ऑन है, बताओ भाई जो कुछ बता पाओ, कैमरा ऑन है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है, नाम तो बता दो अपने भाई। मेरा प्रांजल त्रिवेदी है। हाँ प्रांजल त्रिवेदी भाई कहाँ है? कानपुर देहात करेंगे वाला। तो इधर आ गए कानपुर, वीडियो देख के आया हूँ मैं यहाँ पे, मैं ऐसा ना बताओ सही बात, आपका वीडियो देख के आया था मैं। अच्छा हाँ फिर उसमें, अब इसमें मजा आ रहा है जोमेटो में? अच्छा तो स्टार्टिंग में आईडी मतलब उस पे नहीं है ना, लेवल पड़ेगा उसके, डायमंड पहुंचेगी। हां समझ आएगा। तो मतलब दिन भर में कितने काम निकल के आ रहा? अभी काम 700-800 तक हो जाता है, 700-800 हो जाता है। तुम एक काम करो, तुम मेरा ऑर्डर लगा लेट ना करो, इससे कर रहे हो एनएस से? हां उसी से कर रहे, वही अपने पास है एनएस। ये देखो भाई एनएस 125 सीसी के लेके कर रहा है भाई अपना काम, वही अपने पास से काम कर रहा है, तगड़ा है भाई सिस्टम, बेहतरीन है। लेकिन ये बात गलत है यार तुम्हारी भाई, महा क्या लिखा? अच्छा 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 पीसी भैया लिखा, हमें लगा लिखे है वो यामाहा लग रहा था दूर से। ऐसा कुछ नहीं, तुम एक काम करो ये ऑर्डर डिलीवर करके, कैफे जानते हो, एकेटिव जानते हो? नहीं। तुमको हम लोकेशन भेज रहे हैं वहाँ की, आओ वहाँ पे फिर खाया पिया जाए कुछ, ठीक है? हाँ तुम ऑर्डर दे के तुरंत हम तुमको लोकेशन भेज रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारा लेट भी हो जाएगा ऑर्डर, वहीं पर मिलते हैं। चलो भाई इनको वहीं बुला लेते हैं कैफ़े, फाइनली हम तो कैफ़े के पास आ गए हैं। आप लोग कोई बता दें अगर जिसको भी मिलना है अपने लखनऊ से, जानकीपुरम एरिया से, हाँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कैफ़े पे मिलते हैं। ये है एकेटिव चौराहा था पीछे, और ये है बुक्कट नुक्कट कैफ़े, नहीं द बुक्कट कैफ़े करके, मतलब गूगल मैप पे बुक्कट नुक्कट डालोगे तो आ जाओगे। तो यहाँ आ गए हैं, यहाँ पे लौंडे लपाड़ी अंदर बैठे हुए हैं। अबे गाड़ी रुक जा, गाड़ी यहीं खड़ी, अब यहाँ लौंडे लाड़ी हैं, गेम वेम खेलेंगे क्या करेंगे ये नहीं पता, बट उन्हीं भाई को यहाँ से बैठ के लोकेशन भेज देते हैं फटाफट से, वो भी आ जाए यहाँ पे। मीनवाइल हेलो खाने को मिलेगा। हाँ भाई ये आया लौंडा। और एक चीज़ और है, भाई भी अपने आ चुके हैं, चाय भाई हम लोग पी चुके हैं, एकदम फिनिश हो गई। और भैया कुछ खाओगे मेरे भाई? हम उस टाइम तो ये पूछा, हमने कैमरा ऑन करके पूछे शायद कुछ बोले। अबे भाई 11,000 सब्सक्राइबर हो कुछ तो पार्टी तो ले लो यार। अरे नहीं भाई तो नहीं, चाय बहुत ना भाई, ऐसे इंसान मिलते हैं समझ, ऐसे भाई लोग मिले तो क्या है, पार्टी देने के लिए बोलो भाई मना कर दे, कितना मजा आया भाई समझ रहे हो, ऐसे भाई मिलते। तो अभी आईडी खोल लेना फिर से दोबारा, आईडी बस कोई बात नहीं यार, आराम से काम करो, हम तो उनके ही बोलते हैं सपोर्ट करें, भाई को सब्सक्राइब करें बस। देखो अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो इनकी बात मानो, फिर पहले सुबह लो ठीक है। तो बच रहा है कि नहीं बच रहा? अभी अभी नहीं बच रहा, अभी दिक्कत हो रही है थोड़ी, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी ना, शुरुआत के दौर है, चलो कोई नहीं हो जाएगा यार ठीक है, करेंगे तो होगा, हो जाएगा हो जाएगा, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेहनत करो और हो ना, ठीक है। हाँ तो भाई फाइनली आ चुके घर पे, तो सबसे पहले अर्निंग दिखा देते हैं 154 रुपये की ओला पे, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी 173 रुपये का केवल एक ऑर्डर पोटर में, तो जो कि अर्निंग थी, अर्निंग बाद में मतलब राइट डे बाद में आई नहीं, तो मैंने फिर करा भी नहीं क्योंकि संडे के दिन पता नहीं क्या ही था, रैपिडो खोला नहीं मेन चीज़ जो है, क्योंकि रैपिडो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था तो नहीं खोला, क्योंकि उसमें पूरा प्रॉपर काम करो तब दिखता है, थोड़ा बहुत काम करो तो वो अद्दा पद्दी हो जाता है, फिर वो जब तक मतलब रॉयल पास ना हो उसका जो पास है ना राइड वाला, वो जब तक ना हो तब मजा नहीं आता। तो आज भाई सब्सक्राइबर भाई से मिलकर तो भाई मज़ा आ गया, प्रांजुल भाई से मिलकर मज़ा आ गया, और
हो सकता है उनसे मैंने बोल रखा, जितने भी अपने भाई लोग सबको मैंने नंबर नंबर दे रखा है कि अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे भाई कॉल कर लिया करो, जो अपने लायक बताने लायक है जो अपने से हो सकता है वो करते हैं। और बाकी ज़्यादा काम नहीं, तीन घंटे काम था, तो उसमें अर्निंग टोटल 327 रुपये की हुई थी। उसमें बाइक जो चली थी 50 किलोमीटर ही बाइक चली है, इससे ऊपर नहीं चली। 50-100 रुपये का पेट्रोल मान लो तो 227 बज गए, यही अर्निंग थी। ठीक है, बाकी कल से स्विगी आपको मिलने वाला भरपूर, एकदम मज़ा आ जाएगा। और कुछ भी नहीं बोलेंगे कि वाला वीडियो देखो, ठीक है 10/10 होने वाला स्विगी में, देखते हैं बहुत से बदलाव हुए हैं। बस सुबह उठ जाए जल्दी से। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है।